नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। सबसे पहले मैं आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं दे देता हूं। और चलिए अब मैं थोड़ा आपको वहां लिए चलता हूं जिसके लिए मैं आप खड़ा हूं। मैं बता दूं कि आज पवन सिंह जी की जो बड़ी मूवी यानी कि स्वतंत्रता दिवस वीना थिएटर में लग चुकी है और इस मूवी का नाम है हम है राही प्यार के, यानी कि आप कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी कैसे है या फिर होने वाली है। इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि जो थिएटर के बाहर जितने भी ऑडियंस हैं वह इस फिल्म को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं और साथ ही फिल्म कितनी बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाली है। अगर बात करूँ पवन सिंह जी की तो अभी कुछ ही दिन पहले एक और उनकी मूवी थी जो पहले ही आई थी, लेकिन इस मूवी की चर्चा लगातार एक हफ्ते से हो रही है क्योंकि पवन सिंह जी लगातार इस मूवी में बड़े सीन साथ ही फिल्मों और गानों को लेकर काफ़ी चर्चा में। तो आइए जितने भी ऑडियंस जो अभी सिनेमा हॉल में एंट्री करेंगे उनसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ की स्थिति कैसी है और साथ ही इनके मन में मूवी को लेकर क्या क्या ख्याल है। तो आइए जुड़ते हैं कुछ लोगों से और पूछते हैं मूवी के बारे में। तो बताइए पवन सिंह जी के आप फैन हैं? यस। कौन सी मूवी है हमें राही प्यार के, क्या जानते हैं इसके बारे में? इसके बारे में जितने भी 6-7 दिन से सुन रहे हैं कि एक पारिवारिक मूवी है। जी जी। इसमें बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग भी है, मैंने सुना। पवन सिंह के मारधाड़ के साथ आपको उनको गाने पसंद आते हैं? यस। और क्या पसंद आता है पवन सिंह जी का? उसका एक्शन। एक्शन। चलिए और भी लोग हैं, बताइए आप, बताइए पवन सिंह जी की मूवी देखने आए हैं? नहीं, देखने नहीं आए। हाँ, गाना सुनते हैं उनके? गाना सुनते हैं। कौन सा गाना उनका सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, सैड सॉन्ग, रोमांटिक या फिर कहें तो जितने गाना? रोमांटिक गाना। और भी लोगों से, बाबू क्या करने आए हो यहाँ पे? आप बताओ क्या करने आए हो? मूवी हम है राही प्यार की कैसी मूवी है? मूवी ठीक है, पारिवारिक फिल्म है। तो अभी पहली सेकेंड शो देखने के लिए आए? सेकंड शो देखने के लिए। कितने एक्साइटेड है आज इस फिल्म को लेकर आप? फिल्म पारिवारिक अच्छी फिल्म है। पवन सिंह जी का कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगा अभी तक? अभी तक छलका था जमानिया अच्छा लगता है। एक बार तो गाइए ना हमारे दर्शकों के लिए। आता नहीं गाने, गाना नहीं गाने आता है। तो कहें तो जितने भी यहाँ पे ऑडियंस लोग हैं सबको पवन सिंह जी की इस मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है और साथ ही कहें तो सबने यही कहा कि पारिवारिक मूवी है, अपनी फैमिली के साथ भी हमें देखना है। और सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म की केमिस्ट्री कितनी बड़ी होती है क्योंकि पहली बार उनके साथ इसमें हंसिका पूनम शाह नज़र आने वाली हैं। तो देखने वाली बात होगी पवन सिंह के साथ इस फिल्म की केमिस्ट्री कैसी बढ़ती है और साथ ही बड़े पर्दे पर कितना धमाल मचाती है क्योंकि आज़ादी का दिन है और पवन सिंह के लिए इस मूवी से, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से पहली मूवी है जो रिलीज़ हुई है। तो देखना यह बात बनता है कि 90 दिन के बाद पवन सिंह कितना धमाल मचाते हैं बिहार और झारखंड में।